डियर स्टूडेंट्स इन activity वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिज कोर्स देखिए दिस एक्टिविटी इज अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एंड predicate जो होता है सब्जेक्ट और predicate uh, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं उसके ऊपर ये एक्टिविटी है तो uh, पहले हमको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और predicate किसे कहते हैं तो देखिए सब्जेक्ट एक्चुअली वो होता है कि जुमले का वो ये वो हिस्सा होता है जिसके बारे में जुमले में कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या होता है जुमले का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है अब दे उसके एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं इंग्लिश इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज देखिए कि जुमला दिया हुआ है अब इसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज इंग्लिश एक बहुत दिलचस्प जबान है तो इस जुमले में किसके बारे में कहा जा रहा है कि दिलचस्प ज़बान है कहा जा रहा है इंग्लिश के बारे में तो इंग्लिश यहां पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा तो जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में जुमले में कुछ कहा जा रहा है जिसके बारे में तो किसके बारे में कहा जा रहा है इंग्लिश के बारे में तो ये पूरा जो हिस्सा रहेगा ये पेडिकेट हो जाएगा ये जो हिस्सा रहेगा ये सब्जेक्ट कह जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है अब प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है सीमा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली अब सीमा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली इस सेंटेंस में स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती है किसके बारे में कहा जा रहा है सीमा के बारे में तो सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है लेकिन सीमा के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो पूरा हिस्सा जो है वो कहलाएगा प्रिटिकेट है ना तो सिंपल सी बात है आसान तरीके से इसको याद रखिए इस चीज़ को कि जुमले के जुमले का वो पार्ट वो हिस्सा जिसके बारे में जुमले में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट हो जाता है और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है जुमले का वो हिस्सा प्रिडिकिडिकेट जो है वो कहलाता है वो आप अपने जहन में रखिए एक्टिविटी समझने के लिए अब देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मैच गेम दिया हुआ है मैच द कार्ड्स इन ग्रुप ए विद ग्रुप बी इन द ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है ना अब इसको आपको क्या करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है बनाने। जैसे हर फादर लाइक्स टू रन द मॉर्निंग लाइट द हैप्पी पी इज अ डॉक्टर एंड स्प्रेड्स ओवर द अर्थ तो अब इसमें आपको क्या करना है कि अलग अलग कार्डों को मैच करते हुए एक सेंटेंस बनाना है जैसे हर फादर इज अ डॉक्टर ये एक सेंटेंस बन गया तो इस तरीके से और कौन कितने सेंटेंसेज आप बना सकते हैं अब देखिए जब आप कहेंगे हर फादर इज अ डॉक्टर तो हर फादर जो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट और इज अ डॉक्टर हो जाएगा प्रिडिकेट यानी सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कह रहे हैं तो वो हिस्सा हो जाएगा प्रिडिकेट और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हो जाएगा सब्जेक्ट तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों कॉलम को जोड़कर हम और दूसरे जुमले भी बना सकते हैं वो सेंटेंसेस आपको यहाँ पर बनाना है ग्रुप ए और ग्रुप बी से जोड़कर नेक्स्ट एक्टिविटी दीजिए फाइंड द सब्जेक्ट एंड दिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस राजेश वेंट टू मार्केट अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा राजेश क्या हो जाएगा वेंट टू मार्केट राजेश राजेश वेंट टू मार्केट मार्केट गया तो राजेश के बारे में कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है वेंट टू मार्केट कि वो मार्केट गया तो राजेश यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा जैसे से पहले आपको मैंने बताया है तो अब उसी तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है पीडिकेट क्या है उसको आपको अलग अलग करके लिखना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है या एक्टिविटी आपको हल करनी है तो पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट देन जैसे सेंटेंस दिया हुआ है राम एंड आई वॉकड द स्ट्रीट लास्ट नाइट तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा पेरिडिकेट है फिर सीरी हटे आइसक्रीम स्नेहा अटेंडेड द क्लास एंड लर्न ऑल थिंग्स तो इस तरीके से आपको जो है इन तीनों सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रिडिकेट है उसको फाइंड आउट कर कर लिखना है ये एक्टिविटी आपको हल करनी है देन कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स तो आप यहाँ पर तीन दिए हुए अंकल काओ एंड रेम्बो तो आपको कॉलम बी में जो सेंटेंस का पार्ट दिया हुआ है इट मीन्स दीज आर द प्रिडिकेट तो प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ कर जो है आपको सेंटेंस बनाना है उसमें से पहला ऐसा सब्जेक्ट रहेगा दूसरा प्रिडिकेट रहेगा तो इन इनसे जो आप सेंटेंसेस बनाइए विच विल बी मीनिंगफुल सेंटेंसेस एक पुरमानी सेंटेंसेस रहेंगे इस तरीके से यह एक्टिविटी आपको हल करनी है अब नेक्स्ट सेशन में हम एक्टिविटी नंबर फोर्टी वन के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे टिल देन गुड बाय